हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक्स टू बुद्धिया एजेंसी टू प्रोवाइडिंग टुडेज व्हीकल। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी टाटा कमर्शियल व्हीकल के बारे में डिटेल्स एंड परचेज के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने है टाटा इंट्रा लाइनअप का सबसे बड़ा पिकअप ट्रक इंट्रा V70, जो रिसेंटली टाटा ने अभी लॉन्च किया है इंट्रा V50 के बाद। ये देखिए, ये है इंट्रा V50 और ये आपके सामने इंट्रा V70। तो चलिए देखते हैं टाटा ने अपने ये सबसे बड़े लाइनअप के सबसे बड़े ट्रक में कौन सा न्यू इम्प्रूवमेंट किया है और इसका पेलोड क्या मिलता है और इसमें क्या क्या न्यू फंक्शन ऐड किए हैं। तो एक बार चलिए हम वीडियो का ये गाड़ी का वॉक अराउंड ले लेते हैं, चारों तरफ से देखते हैं गाड़ी देखने में कैसा है। ये गाड़ी का लेफ्ट पोर्शन है। कंपनी ने V70 में 1500 cc का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया है, जो प्रोड्यूस करता है 80 हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये था एक फुल वॉक अराउंड गाड़ी का। तो चलिए अब गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट में इसे फुल हैलोजन सेटअप मिला है लाइट्स का। इसमें एलईडी लाइट अभी आपको फ्रंट में नहीं दिया गया है, सब इसमें हैलोजन है। टर्न इंडिकेटर और हाई लो बीम का बल्ब सब आपका हैलोजन का है। बीच में आपका टाटा का लोगो और गाड़ी के राइट साइड में टाटा इंट्रा पिकअप का बैच और ये लेफ्ट साइड में आपका V70 का बैच है। और ये इसका विंडशील्ड वाइपर विथ वॉशर, वॉशर आपका मर्सिडीज़ के जैसे मर्सिडीज़ में वाइपर ही पे वॉशर दिया रहता है, उसी तरह इसमें भी वाइपर के ऊपर ही आपको वॉशर दिया गया है। बहुत से गाड़ी में आपका इस फाइबर वाले पार्ट में वॉशर दिया रहता है। गाड़ी के लेफ्ट और राइट साइड में आपको गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए फुटरेस्ट दिया गया है, क्योंकि गाड़ी का हाइट बहुत ऊंचा है दूसरे गाड़ी के कंपैरिजन। तो इस गाड़ी में आपको 15 इंच के स्टील रिम दिए गए हैं और जो टायर साइज है वो 215/75 R15 का है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें 5 लग नट वाले व्हील्स रिम्स दिए गए हैं। और ये लेफ्ट साइड में आपका बैटरी कंपार्टमेंट है, जिसमें 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया है। इंट्रा V50 में आपको एक चीज़ नहीं दिया गया था जो V70 में दिया गया है, ये डेफ टैंक आपको एडिशनल मिलता है इंट्रा V70 में, जिसका ये कैपेसिटी है 16 लीटर का। और साथ में इसका आपको यहाँ पे लिड दिया गया है, इसमें आपको लॉक और अनलॉक करने के लिए एक स्पेशल की दिया गया है गाड़ी के साथ ही में, जिससे आपका कोई डिफ टैंक्स खोल के इसमें से फ्यूल चोरी ना करे। गाड़ी के फ्रंट में आपको 2 पट्टा का मानी दिया गया है और रेयर में 9 दिया गया है। इसको इंग्लिश में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन कहते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादातर इसी तरह का सस्पेंशन दिया जाता है, क्योंकि ये हैवी लोड उठाने के लिए गाड़ी बना हुआ है। इसमें हमें 35 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है, जो कि रियर व्हील के ऊपर पोजीशन किया गया है।
ये है इसका लोडिंग कार्गो एरिया। इंट्रा V70 में आपको 5.3 इंच चौड़ाई और 9.8 फीट गहराई का लोड बॉडी मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में अभी तक सबसे बड़ा लोड बॉडी है। टाटा इंट्रा V50 और V70 का लोड बॉडी सेम है, लेकिन इंट्रा V50 है जो 1.5 टन के वेट कैपेसिटी के साथ आता है, और इंट्रा V70 आपका 1.7 टन के कैपेसिटी के साथ आता है। आपको गाड़ी के साथ में स्पेयर व्हील दिया जाता है, जो कि सेम है इसके बाकी व्हील्स के साइज़ का, 215/75 R15। और इसमें रेयर पार्किंग सेंसर भी मिलता है, इसमें 3 रेयर पार्किंग सेंसर दिया गया है, जो गाड़ी रिवर्स करते समय बीप करता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके पास आता है तो। और ये रहा इसका रेयर लाइट इंडिकेटर और रिवर्स लाइट, जो कि हैलोजन सेटअप के साथ दिया गया है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये है इसका केबिन, जो कि बिल्कुल कार के केबिन के जैसा दिया है। और ये है इसका गियर नॉब, और ये हैंड ब्रेक इसका। ये वॉक थ्रू केबिन है, पर इसका हैंड ब्रेक जब लगा रहता है तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में। ये है गाड़ी का की, जिसके साथ आपको डेफ टैंक लॉक करने का की मिलता है, और ये गाड़ी के इग्निशन का की है। और ये है गाड़ी का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको डेफ टैंक और फ्यूल टैंक दोनों का इंडिकेशन मिलता है कि उसमें कितना फ्यूल है। साथ में आपको इधर इको का स्विच और रीजनरेशन स्विच मिलता है, और बगल में ये हेडलैम्प लेबलिंग स्विच है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है टाटा V70 इंट्रा V70 में और V50 में, तो आप इसके ORVM से पता लगा सकते हैं। इंट्रा V70 में टाटा योद्धा वाले बड़े ORVM दिए गए हैं, और इससे नीचे वाले इंट्रा सीरीज में थोड़े से छोटे ORVM मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर से कमेंट करें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।